पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई दहशतगर्दों को पाल रही है। हाफिज सईद से लेकर मसूद अजहर और सैयद सलाहुद्दीन के जरिए भारत में दहशतगर्दी करवाती रही, खास करके कश्मीर की फिजाओं में लश्कर जैश और हिजबुल के आतंकी बारूद घोलते रहे। मगर पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान की सुरक्षा एजेंसियों ने इनकी कमर तोड़ दी है। हाफिज मसूद या फिर सलाहुद्दीन, ऐसे आतंकियों की साजिश नाकाम हो रही है। ऐसे में आईएसआई ने अब नया हैंडलर तैयार किया है। आईएसआई का वो नया मोहरा भारत का गद्दार है, हिंदुस्तान से भागकर पाकिस्तान में छिपा हुआ है। आईएसआई के नए हैंडलर ने भारत में एक टेरर गैंग ऑफ इंजीनियर्स तैयार किया था, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों ने उसके प्लान को फेल कर दिया। रिपोर्ट उसी पर बनाइए, देखिए। रात का दूसरा पहर गुजर रहा था, दिल्ली नींद की आगोश में सिमटने लगी थी, चारों तरफ सन्नाटा। लेकिन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के हेडक्वार्टर में हलचल, एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी चल रही थी। जब रात ढलने लगी तब स्पेशल सेल के डीसीपी प्रमोद कुशवाहा की अगुवाई में एक टीम ऑपरेशन के लिए निकली। दिल्ली पुलिस का यह ऑपरेशन बेहद सीक्रेट था, इसकी जानकारी सिर्फ डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों और ऑपरेशन में शामिल टीम को ही थी। पुलिस के पास पक्का इनपुट था, लिहाजा आधी रात को ही ऑपरेशन की फुल प्रूफ तैयारी हुई थी। पुलिस किसी भी कीमत पर टारगेट को ट्रेस करना चाहती थी, क्योंकि सवाल सुरक्षा का था, सवाल देश का था। असल में ऑपरेशन एक आतंकी की गिरफ्तारी के बाद प्लान किया गया था। गिरफ्तार आतंकी का नाम है रिजवान अशरफ, जिसे लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। पूछताछ के दौरान आतंकी रिजवान अशरफ ने सनसनीखेज खुलासा किया था। उसने बताया कि कैसे देश को दहलाने की खौफनाक साजिश रची गई। पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो उस आतंकी का नाम और ठिकाने का पता चला, जो 26/11 जैसे आतंकी वारदातों को अंजाम देने वाला था। ये वजह है कि आधी रात को ही पुलिस की टीम स्पेशल ऑपरेशन के लिए निकली थी। हेडक्वार्टर से निकलकर पुलिस की गाड़ी जैतपुर की ओर मुड़ी। गाड़ी जैतपुर के ब्लॉक नंबर 2 में एक बहुमंजिला इमारत के नीचे जाकर रुकी। नंबरदार अपार्टमेंट E90 जैतपुर पार्ट 2 नई दिल्ली। 1 और 2 अक्टूबर की दरमियानी रात पुलिस की टीम इसी नंबरदार अपार्टमेंट में दाखिल हुई। थोड़ी देर तक घर के अंदर रही और पूछताछ की, जांच पड़ताल हुई, फिर पौ फटते ही एक आतंकी को लेकर बाहर। उस आतंकी का नाम है मोहम्मद शहनवाज आलम। वही शहनवाज आलम जो फरार आतंकी था, जिसे एनआईए शिद्दत से तलाश रही थी, जिस पर इनाम घोषित था, आतंकी वारदातों का मास्टरमाइंड था। यही वजह है कि पुलिस बिना वक्त गंवाए शहनवाज आलम के ठिकाने पर पहुंची थी। इस वक्त एबीपी न्यूज की मौजूदगी जैतपुर इलाके में उसी घर के बाहर है, जहां पर रविवार और सोमवार की दरमियानी रात को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम की एक जो है वो आई थी, और इसी मकान में जो है वो इसी बिल्डिंग में इसी इमारत में जो आतंकी शहनवाज, संदिग्ध आतंकी शहनवाज है, इस बिल्डिंग की 4th मंजिल पर जो है वो रहा करता था, और वहां पर एक टीम जो है वो पहुंची और वहां से जो है वो संदिग्ध आतंकी शहनवाज को जो है वो गिरफ्तार किया गया। इसी मकान में रहकर शहनवाज आतंक की खौफनाक साजिश रच रहा था। शहनवाज जिस फ्लैट में रह रहा था वहां से पुलिस को विस्फोटक बनाने वाला सामान बरामद हुआ। एलिमेंट्री प्लास्टिक ट्यूब्स, आयरन पाइप्स, अलग अलग तरह के केमिकल्स, बहुत सारी और जो टाइमिंग डिवाइसेस एट्सेट्रा जो कि एक्सप्लोसिव बनाने में यूज हो सकती थी, वो मोहम्मद शहनवाज के ठिकाने से हमारी टीम ने रिकवर करी है। इसके अलावा पिस्टल और उसमें कार्ट्रिजेस और उसके साथ और भी जो बॉम्ब बनाने के अलग अलग लिटरेचर थे, जो कि इन्हें खास तौर पे इनके जो क्रॉस दी बॉर्डर पाकिस्तान के हैंडलर्स थे उन्होंने भेजे। तबाही के सामानों के साथ गिरफ्तार हुए शहनवाज आलम का आका कौन है, इसके आईएस कनेक्शन की सच्चाई क्या है, शहनवाज का पाकिस्तानी आतंकी से रिश्ता क्या है, ये सब कुछ विस्तार से बताएंगे। आपको ये भी विस्तार से बताएंगे कि शहनवाज आलम को मोहरा बनाकर आईएसआई कैसे नए तरीके से साजिश रच रहा था। उससे पहले शहनवाज की कुंडली जान लीजिए।
शहनवाज आलम झारखंड के हजारीबाग का रहने वाला है। उसने नागपुर से माइनिंग में बीटेक किया हुआ है, यही वजह है कि उसे माइनिंग कंपनी में नौकरी भी मिली। शुरुआती दिनों में वो दिल्ली के अबू फजल एनक्लेव में रहता था, यहीं पर उसने कट्टरवाद का मजहबी पाठ पढ़ा। फर्स्ट क्लास बीटेक करने वाला शहनवाज धीरे धीरे कट्टरवाद के जाल में फंसने लगा। 2019 में वो हजारीबाग में चोरी और डकैती के मामले में गिरफ्तार हुआ, 8-9 महीने जेल में रहा, 2020 में बाहर निकला। पुलिस का कहना है कि ये चोरी और डकैती आतंकी वारदातों के लिए ही करते थे। वो इंटरनेट के जरिए विदेशी हैंडलर के संपर्क में आया था, उसने विस्फोटक बनाने से लेकर उसके इस्तेमाल करने का तरीका सीखा। इसी बीच उसने अलीगढ़ में बसंती पटेल नाम की हिंदू लड़की से शादी की। शहनवाज के दिमाग मजहबी कट्टरवाद का बारूद भर चुका था, वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार था। अपने साथियों के साथ देश को दहलाने की साजिश रचने लगा। आतंकी शहनवाज और उसकी बारूदी टीम ने कैसे देश के अलग अलग हिस्सों में जाकर इस पर काम किया, कैसे गुजरात में रैकी की और कैसे जंगलों में ट्रेनिंग ली, ये सब कुछ आपको बताएंगे। मगर उससे पहले जान लीजिए कि ये जुलाई में पकड़ा गया था। पुणे में इसकी गिरफ्तारी हुई थी, लेकिन वहां से फरार हो गया था। गाड़ी चोरी का एग्जीक्यूशन कर रहे थे तो इमरान और यूसुफ, जिन पे चित्तौड़ ब्लास्ट केसेस में 5-5 लाख का इनाम डिक्लेयर था, इनको पुणे पुलिस ने वहाँ पकड़ा। और इनका जो साथी था शाहनवाज, जो कि बाद में जिस पे 3 लाख का इनाम डिक्लेयर हुआ अपने और 3 साथियों के साथ, सब पे 3-3 लाख का NIA ने रिवॉर्ड डिक्लेयर किया, ये वहाँ से बच के निकलने में कामयाब हो गया था। तभी से पुलिस इसे तलाश रही थी। स्पेशल सेल के अफसरों से पूछताछ में शहनवाज ने जो खुलासा किया वो चौंकाने वाला था। जांच में पता चला था कि दहशतगर्दों के टारगेट पर दिल्ली थी, मुंबई थी, अयोध्या थी, अहमदाबाद, सूरत, वडोदरा और गांधीनगर जैसे शहर भी थे। देश को दहलाने की इस साजिश में शहनवाज के साथ और भी गद्दार थे, जिनके दिमाग में दहशतगर्दी भरी हुई थी। आतंकी शहनवाज का साथी था अरशद वारसी। अरशद भी झारखंड का ही रहने वाला है, मैकेनिकल स्ट्रीम में बीटेक किया है, मार्केटिंग एंड ऑपरेशंस में MBA की पढ़ाई की है, PhD फ्रॉम जामिया मिलिया इन इस्लामिक प्रिंसिपल्स इन मैनेजमेंट की ये डिग्री कर रहा है, डॉक्टरेट कर रहा है, और ये होम ट्यूशंस भी साइंस और मैथ्स की लेता है। बताया जा रहा है कि दिल्ली में ही एक मजहबी कार्यक्रम के दौरान अरशद और शहनवाज की मुलाकात हुई थी। शहनवाज के बाद अरशद की गिरफ्तारी हुई थी। शहनवाज का तीसरा साथी है मोहम्मद रिजवान अशरफ, वही रिजवान अशरफ जो कि एक कट्टर मौलवी है, जिसकी गिरफ्तारी के बाद ही शहनवाज पुलिस के रडार पर आया था। रिजवान अशरफ यूं तो जेद्दा में पैदा हुआ था, लेकिन रहने वाला आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का है। रिजवान अशरफ के पास भी बीटेक की डिग्री है, पाकिस्तान में बैठे हैंडलर से लगातार संपर्क में था। आजमगढ़ UP का ओरिजिनल नेटिव है, और उसके बाद इसने अलीमियत इन अरेबिक 2009 में पूरी करी, और इसने भी जो बीटेक है गाजियाबाद से कंप्लीट करी, और बीटेक होने के बाद ही प्रयागराज चला गया और कंप्यूटर साइंस में बीटेक है, और अपनी फैमिली के साथ ही वहीं पे रहता है। रिजवान अशरफ, शहनवाज और अरशद के अलावा एक और आतंकी है मोहम्मद रिजवान, जो फरार है। ये खुद को बगदादी वाले गिरोह ISIS से जुड़ा बताते थे, मगर असलियत यह है कि ये ISI से जुड़े थे। इसका खुलासा तब हुआ है जब पुलिस ने शहनवाज, रिजवान अशरफ और अरशद वारसी से पूछताछ तेज की। पूछताछ में आतंकियों ने एक नाम लिया, वो नाम था फरातुल्ला गौरी का। वही फरातुल्ला गौरी जो आतंकियों की मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल है, जो ISI का ऑपरेटिव है। सारे का जो जेनेसिस है वो क्रॉस बॉर्डर में पाकिस्तान में है, जैसा कि हमने पहले भी बताया। जो इनके ओरिजिनल सरगना है उनका तार अहमदाबाद ब्लास्ट टाइम से कहीं ना कहीं क्रॉस बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। उसमें फरहतुल्ला गौरी जो है मेन है, और उसका सन इन लॉ फैसल है। फरहतुल्ला गौरी वो गद्दार है जो बरसों से फरार है, जिसकी तलाश हिंदुस्तान की जांच एजेंसी कर रही है, जो ISI की हिफाजत में पाकिस्तान में छिपा है। फरहतुल्ला गौरी गुजरात में साल 2002 में अक्षरधाम मंदिर पर हुए हमले में शामिल था। 2002 में गौरी ने हैदराबाद में STF ऑफिस में सुसाइड अटैक करवाया था। हैदराबाद का रहने वाला फरहतुल्ला गौरी भारत से फरार होकर पाकिस्तान में छिपा हुआ है। भारत सरकार ने फरहतुल्ला को डिजिनेटेड टेररिस्ट घोषित किया हुआ है। फरहतुल्ला के खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया जा चुका है। ISI की सुरक्षा में रहने वाले फरहतुल्ला ने पिछले कुछ महीनों में अपनी एक्टिविटीज तेज कर दी। दो दिन पहले ही उसने वीडियो जारी किया था, वो ऑनलाइन जिहाद कर रहा है, YouTube और टेलीग्राम सरीखे सोशल साइट्स पर मजहबी बातें करता है।
फरातुल्ला गोरी के YouTube पर सैकड़ों तकरीरें हैं जिनमें वो भारत विरोधी बातें करता है। वो लोगों के जज्बातों को उबालने की कोशिश भी करता है। वो उन मुसलमानों के खिलाफ बोलता है जो राष्ट्रभक्त है। वो जांच एजेंसी से बचने से लेकर हथियार खरीदने की ट्रिक बताता है। कट्टर जिहादी उसे फॉलो करते हैं। फरातुल्ला गोरी के साथ उसका दामाद शाहिद फैजल भी ISI के लिए काम करता है, जिहादियों की भर्ती करता है और उनका माइंड वॉश करता है। दिल्ली और यूपी में पकड़े गए सभी आतंकी फरातुल्ला गोरी के संपर्क में थे। उन्हीं के इशारे पर कैसे काम करते थे वो जानिए। रिजवान अशरफ ने साथियों को शपथ दिलाई थी। अशरफ और बाकी साथियों को ISIS के आमिर की शपथ दिलाई गई। कहा था कि अगर पकड़े गए तो ISI का नाम नहीं लेना है, मतलब कहीं से भी सीधे तौर पर इसमें पाकिस्तान का जिक्र ना हो। लेकिन जांच एजेंसी के पास इसके कई सबूत है कि इन तीनों को पाकिस्तान में बैठे आतंकी गाइड कर रहे हैं। बहुत सारे नेट पे ऐसे माध्यम हैं जो आप भी जानते हैं, जिसके जरिए इंस्ट्रक्शंस भी मिल सकती हैं, मटेरियल भी मिल सकता है, लिटरेचर भी मिल सकता है। तो उन सारी चीज़ों का इन्होंने अभी तक यूज़ किया था। इन तीनों को सरहद पार बैठे इनके आका दहशत का ऑनलाइन पाठ पढ़ाते थे। इनके दिमाग में जहर भर रहे थे, लेकिन सवाल यह है कि शहनवाज ही मास्टरमाइंड क्यों था, जबकि इन तीनों को शपथ रिजवान अशरफ ने दिलवाई। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर ढाई पे आए, बबीता जी का दिल सास बहु साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए ABP लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। ABP न्यूज़ आपको रखे आगे।